Hello student, now today I am going to perform an activity. That activity is that to verify that the area of trapezium is half of the product of height and sum of parallel sides. So, हमें क्या प्रूफ करना है यहाँ पे, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, दैट जो ट्रेपेजियम का एरिया होता है वो हाफ ऑफ द प्रोडक्ट होता है किसका, हाइट और सम ऑफ पैरेलल साइड्स का. ठीक है, प्रीवियस नॉलेज हमें क्या चाहिए, दैट फर्स्ट इज कॉन्सेप्ट ऑफ अ ट्रेपेजियम. हमें पता होना चाहिए कि ट्रेपेजियम क्या होता है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, और हमें क्या नॉलेज होनी चाहिए, सेकेंड दैट इज एरिया ऑफ अ पैरेलोग्राम. क्या होता है एरिया ऑफ अ पैरेलोग्राम, दैट इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट. ठीक है, सो फॉर डूइंग दिस एक्टिविटी वी रिक्वायर सम मटेरियल. सो मटेरियल्स आर टू ग्लेस पेपर ऑफ डिफरेंट कलर, सीजर, ग्लू, पेन और सम ज्योमेट्री बॉक्स मटेरियल. ठीक है, सो ये मटेरियल्स है हमारा. सो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोसीजर. So our first step is by using glazed paper cut out four congruent trapezium of parallel sides x and y units with h units height of two different color paper. So हमने two different color paper ले लिया है. अब हमको इससे four congruent trapezium cut करना है. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको एक fold कर लेते हैं और इसको भी fold कर लेते हैं. ठीक है, इसको इस पे सेट कर देते हैं. जब हम कट करेंगे तो फोर कट हो जाएगा. नाउ वी हैव टू ड्रॉ अ ट्रेपेजियम ऑन इट. सबसे पहले हम यहां पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जिसको हम कह सकते हैं ये एक्स यूनिट है. ठीक है, इसकी लेंथ कुछ भी हो सकती है. आफ्टर दैट इसके पैलर हमें एक और लाइन ड्रॉ करना है, क्योंकि ट्रेपेजियम का रूल ही है दैट वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल. सो हमने ये ड्रॉ कर लिया पैरेलल लाइन. ठीक है, ये लाइन ज़्यादा ली है मैंने, ये कम ली है. अब हम इसको इससे ज्वाइन कर देंगे, फिर हम इसको इससे ज्वाइन कर देंगे. ये हो गया ट्रेपेजियम. ठीक है, सो हम इसको कट कर लेते हैं. सो देखिए ये फोर कॉन्ग्रुएंट ट्रेपेजियम यहाँ पे कट हो गया है. ठीक है, जिसमें पैरेलल साइड्स थी एक्स एंड वाई. सो देखिए अगर हम स्मॉल साइड्स को एक्स ले रहे हैं तो हर केस में स्मॉल साइड क्या होगा, एक्स. ठीक, अब लॉन्ग साइड को हम y ले रहे हैं, सो हो गया y. अब हमने हाइट क्या ली थी, करस्पॉन्डिंग हाइट, उसकी हाइट ली थी h. सो यहां पे h. सो किसी भी वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे अगर हम बना दें एक लाइन जो कि परपेंडिकुलर हो, वो क्या हो जाती है हमारी हाइट. सो ये हो गई हाइट. सो इस केस में भी कर लेते हैं हम.
आप इस साइड भी ड्रॉ कर सकते थे हाइट, दोनों की लेंथ सेम ही होगी क्योंकि अपोजिट साइड्स क्या है यहाँ पे, पैरेलल है। सो ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। नाउ सेकेंड स्टेप इज, नाउ अरेंज बोथ ट्रेपेजियम सच दैट दे फिट इन द अरेंजमेंट एज शोन बिलो। सो देखिए आपको इसको करना कैसे है। सबसे पहले आप एक्टिविटी की हेडिंग लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव लिखेंगे, मटेरियल रिक्वायर्ड लिखेंगे, उसके बाद प्रीवियस नॉलेज लिखेंगे, प्रोसीजर लिखेंगे, उसके बाद स्टेप वन। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये दो ट्रेपेजियम एज ए सैंपल यहाँ पे पेस्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद सेकेंड स्टेप लिख के फिर हम आपको बताते हैं कि हमें कैसे यहाँ पे अरेंजमेंट करना है। सो चलिए हम इसको पेस्ट कर लेते हैं। ये फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में क्या करना है, नाउ अरेंज टू रिमेनिंग ट्रेपेजियम्स इन सच ए वे दैट दे फिट इन द अरेंजमेंट एज शोन बिलो। सो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि कैसे हमें इसे अरेंज करना है। सबसे पहले यहाँ पे हम फर्स्ट ट्रेपेजियम पेस्ट करेंगे ऐसे, उसके बाद हम सेकंड ट्रेपेजियम को रोटेट करके पेस्ट करेंगे, ठीक है, कि वो इस तरीके से पैलोग्राम के जैसे सेट हो जाए, ठीक है। सो चलिए हम पेस्ट करते हैं। रोटेट करके पेस्ट करना है क्योंकि यहाँ पे पैलोग्राम फॉर्म होना चाहिए। सो देखिए ये पैलोग्राम फॉर्म हो गया है। पैलोग्राम का जो बेस है वो क्या है, टोटल यहाँ पे x प्लस वाई, क्योंकि ये लेंथ y है, ये लेंथ x है, तो टोटल लेंथ क्या हो गई, x प्लस वाई। और इस बेस के करस्पॉन्डिंग जो हाइट है वो क्या है, h है, ठीक है। सो चलिए हम देखते हैं इसका ऑब्जर्वेशन और कैलकुलेशन। सो आवर ऑब्जर्वेशन इज दैट फिगर फॉर्म्ड बाय प्लेसिंग बोथ ट्रेपेजियम्स टुगेदर इज ए पैरेललोग्राम। सो पैरेललोग्राम फॉर्म हो गया था वहां पे जब हमने टू ट्रेपेजियम पेस किया। सो बेस ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू एक्स प्लस वाई यूनिट्स एंड करस्पॉन्डिंग हाइट इज एच यूनिट्स, ठीक है। नाउ कम टू द कैलकुलेशन पार्ट। सो कैलकुलेशन में सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू बेस इंटू हाइट, ये होता है, ठीक है। सो यहाँ पे बेस है एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई बाई हाइट क्या है, एच, ठीक है। सो जब हमने वहाँ पे ऑब्जर्व किया था तो टू ट्रेपेजियम मिलके पैरेललोग्राम फॉर्म कर रहे थे। इट मीन द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल टू, सो वो क्या होगा, पैरेललोग्राम का हाफ होगा। सो हाफ इंटू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, सो हाफ मल्टीप्लाई बाई एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या है, दैट इज एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई बाई एच। सो हाफ इंटू एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई बाई एच, ठीक है। सो नाउ वी कैन राइट एज हाफ इंटू, सो यहाँ पे x और y क्या था, ट्रेपेजियम की पैरेलल साइड्स, तो हम यहाँ लिख सकते हैं दैट सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ठीक है। और h क्या है, वहां पे हाइट है, सो यहाँ पे लिखेंगे हम मल्टीप्लाई बाई हाइट। सो आवर रिजल्ट इज दैट एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज हाफ ऑफ द सम ऑफ पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम एंड हाइट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।